मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान देने वाले कुछ नेताओं के टिकट काट दिए हैं बीजेपी ने, तो क्या इससे ये समझा जा सकता है कि जो बीजेपी है वो अपनी जो विचारधारा है उसको बदल रही है? दरअसल मैं इस गलत फहमी में नहीं हूँ कि जो बीजेपी है उसकी जो विचारधारा है अचानक से वो मुसलमानों के ताल्लुक से बदल जाएगी जी, क्योंकि जो खबर अब सामने आई है कल जो कैंडिडेट्स की जो लिस्ट जारी की है तो उसमें कई ऐसे नेताओं को टिकट ना मिलना, उनका टिकट काट देना, ये सवाल तो खड़े कर रहा है। कुछ लोग ये कह भी रहे हैं कि बीजेपी अपनी छवि को सुधारना चाह रही है। दरअसल जो कल जो लिस्ट जारी हुई थी उसमें रमेश बिधूड़ी जो दिल्ली से सांसद रहे, दक्षिण दिल्ली से, उनका जो टिकट है वो काट दिया गया है जी। रमेश बिधूड़ी को जो पिछले कुछ टाइम से शोहरत मिली है, उनकी जो पहचान हुई है नेशनल लेवल पर कि उन्होंने सांसद जो दानिश अली है उनको संसद के अंदर यानी बुरा भला कहा था, गालियां दी थी जी जी। और धर्म के ताल्लुक से भी उन्होंने जो आपत्तिजनक जो टिप्पणी है वो की थी जी। तो उस वक्त तो लग रहा था इनको कोई और बड़ा पद दे दिया जाएगा जी, कि जी। इनका जो सीट है वो तो पक्की है, ये समझा जा रहा था, क्योंकि अब तक बीजेपी का जो रवैया है यही रहा है जो मतलब मुसलमानों को गाली देता है उसको और बड़े पदों पर बिठा देती है जी। हाँ, जो इस्लाम मुसलमानों के अगेंस्ट में रहता है तो उसको बीजेपी और बढ़ावा देती है। मतलब इसके अलावा और भी कई लोगों के टिकट काटे हैं। इसके अलावा जो प्रज्ञा ठाकुर है भोपाल से बीजेपी की सांसद रही है, जिन्होंने गोडसे को देशभक्त तक बता दिया था और मुसलमानों के अगेंस्ट वो लगातार बयानबाजी करती रहती है, तो उनको भी जो टिकट है वो नहीं दिया है। इसके अलावा परवेश वर्मा है, तो ये भी ऐसे शख्स हैं जो मुसलमानों के बहिष्कार तक की बात करते हैं और मुसलमानों के ताल्लुक से बहुसंख्यक आबादी में खौफ पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो इनका टिकट भी काट दिया गया है। तो तीन तो बड़े चेहरे हैं, इसके अलावा और भी कई नेता हैं जिनका टिकट इस बार बीजेपी ने काट दिया। तो मतलब क्या इससे ये समझा जाएगा कि जो बीजेपी है वो मुसलमानों का फेवर कर रही है? दरअसल इसको आप एक अच्छा कदम कह सकते हैं, इसको आप शुरुआत कह सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये तीन नेता ही नहीं, बहुत सारे नेता, बहुत सारे लोग। सबसे बड़ी चीज राजा सिंह है जो हैदराबाद से हैं, तो उनका बीजेपी क्या करेगी? इसके अलावा और भी कई सारे नेता हैं और जो कई बार जो बीजेपी के आला कमान है उनकी तरफ से भी ऐसे बयान दिए जाते हैं जहाँ मुस्लिम समुदाय पर निशाना साधा जाता है और रिफॉर्म के नाम पर जो मुसलमानों का जो अकीदा है, इस्लाम मजहब है, उस पर निशाना साधा जाता है। तो ये तमाम चीजें हैं, यानी आप सिर्फ इस बेस पर ये नहीं कह सकते कि बीजेपी की तो विचारधारा बदल गई है या उसका तो हृदय परिवर्तन हो गया है, तो ऐसा नहीं है। और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये सिर्फ अल्फाज की हद तक ना रहे, आप हकीकत में तमाम मुसलमानों को लेकर चले तो खुद ब खुद जो हालात तो अच्छे हो जाएंगे, जो छवि खुद ब खुद सुधर जाएगी। तो और भी जो कदम है वो उठाने होंगे, अगर उनकी ये नीयत सही है तो उनको ये मुबारकबाद है।